हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। अपन एग्जाम्पल पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 के, और हमने 11 नंबर एग्जाम्पल तक कंप्लीट कर लिया है। आज अपन 12 नंबर एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। पीछे वाले क्लास से आप कंटिन्यू ले रहे होंगे, और आज की क्लास में हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9। तो देखिएगा, अनुपातों कॉस टैन सैक को साइन के पदों में लिखिए। ऐसे दो क्वेश्चन मैंने करवाए थे एक्सरसाइज 8.4 में, और वहां पे आपने कोस टेन और सेक को साइन के पदों में, या इसी प्रकार के जो क्वेश्चन थे उस जैसे सेक में कन्वर्ट किया था या कोट में कन्वर्ट किया था वे क्वेश्चन। तो यहां पे कोस टेन और सेक को साइन के पदों में एक बात और बताई थी मैंने कि जो सबसे इजी होता है, जो आइडेंटिटी डायरेक्ट यूज हो रही है, जो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है, वो सबसे पहले लगाते हैं। तो साइन के पदों में बताना है, साइन के पदों में कोस, साइन और कोस के पदों में एक पहली ही आइडेंटिटी होती है। क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर, पहला साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए है, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। कोस को साइन के पदों में लिखना है, लिख दीजिएगा, ये बनेगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, तो ये बन जाएगा कोस ए इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। ये आपका पहला आंसर आ गया, यानी आपने क्या कर दिया, कोस को साइन के पदों में व्यक्त कर दिया। अब सेक और कोस में रिलेशन जानते हैं, सेक और कोस के पदों में रिलेशन जानते हैं क्या होता है। सेक थीटा इज इक्वल टू, या सेक ए इज इक्वल टू होता है 1 बटा कोस ए, कोस ए का मान है यहाँ पे रख दीजिएगा, तो ये बनेगा सेक ए इज इक्वल टू 1 बटा रूट के अंदर 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, यानी ये आपके पास दूसरा आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? अब टेन बराबर जानते हैं क्या होता है, देखिएगा तीसरा, टेन टेन ए इज इक्वल टू होता है साइन बटा कॉस ए, तो ये तो आपका साइन ए है ही। कोस बराबर आप जानते हैं 1 माइनस में रूट के अंदर, इससे मान रख दें 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, तो ये आपका चौथा तीसरा आंसर आ गया। क्या कन्वर्ट कर दिया, टेन को साइन के पदों में, सेक को साइन के पदों में, कोस को साइन के पदों में आपने व्यक्त कर दिया। इस प्रकार से करना है। नेक्स्ट देखिएगा 13 नंबर एग्जाम्पल, सिद्ध कीजिए सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस में साइन ए ब्रैकेट बंद ब्रैकेट शुरू सेक ए प्लस में टेन ए इज इक्वल टू 1 होता है। एलएचएस साइड लेके चलते हैं, देखिएगा इसकी एलएचएस साइड, इसने दिया गया सेक ए 1 माइनस में साइन ए, और ये दिया गया सेक ए प्लस में टेन ए। इसमें पूरे क्वेश्चन को, ये जो एल एच एस साइड है उसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, बीच वाला भाग 1 माइनस में साइन ए है, इसकी जगह कोई चेंज नहीं करेंगे। सेक बराबर क्या होता है, 1 बटा कॉस ए 1 माइनस में साइन ए, ये होगा 1 बटा कॉस ए प्लस में टेन बराबर होगा साइन ए बटा कॉस ए, ये बनेगा 1 माइनस में साइन ए बटा नीचे आएगा कॉस ए ब्रैकेट बंद, यहां से एलसीएम क्या आएगा कॉस ए, यहां पे बनेगा 1 प्लस में, क्या बनेगा 1 प्लस में साइन ए, मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस में साइन ए 1 प्लस में साइन ए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, फॉर्मूला जानते हैं, नहीं जानते तो साइड में लिख देंगे कोई बात नहीं। तो ये होगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए,
और पहले एक बार तो ये फॉर्मूला लिखो आप, कौन सा, एक ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होता है, एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में। और यहाँ से ये आपके पास में आएगा, पहली ही आइडेंटिटी से क्या आएगा, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू एक होता है, तो वन माइनस में साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ से वन माइनस में साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वेयर थीटा बनेगा। वन माइनस में साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से भी देख सकते हैं कितना होगा, कॉस स्क्वेयर थीटा होगा, थीटा की जगह यहाँ पे क्या है, एक ए है तो ए रख देंगे, तो ये बनेगा कितना बनेगा, कॉस स्क्वेयर। अच्छा ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे वाला तो स्क्वेयर लग जाएगा, ये कॉस स्क्वेयर ए अपॉन में नीचे बनेगा कॉस स्क्वेयर ए, दोनों नंबर कट जाएंगे, इज इक्वल टू एक आ गया, कॉस स्क्वेयर ए से कॉस स्क्वेयर ए कटेगा, एक आ गया, एक इज इक्वल टू आर एच एस है, एच पी हेंस प्रू, यही अब देखो एल एच एस साइड अपन लेके चले थे, आर एच एस एक था, एक आ गया है, एल एच एस साइड बराबर आर एच एस साइड, यही हमें प्रूव करना था एच पी। तो इन दोनों का आप एक साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है 14 नंबर एग्जाम्पल, सिद्ध कीजिए एल एच एस बराबर आर एच एस। तो अपन सबसे पहले एल एच एस साइड लेके चलते हैं और इसको साइन कोस में बनाने की कोशिश करते हैं। तो एल एच एस साइड यहाँ पे दिया गया है हमें कॉट ए माइनस में कॉस ए अपॉन में ये है कॉट ए प्लस में कॉस ए, कॉट बराबर क्या होता है कोस ए बटा साइन ए माइनस में, कॉस बटा साइन है ना, ये कॉट बराबर कॉस बटे साइन होता है, माइनस में कॉस बटा एक लिख सकते हैं इसके नीचे, और ये बनेगा हमारे पास में कॉस ए बटा साइन ए प्लस में ये बनेगा कॉस कॉस ए बटा एक लिख सकते हैं। ऊपर वाले से या नीचे वाले से एलसीएम लेके अपन काम चला दें इसका, तो देखिएगा ऊपर वाले में कोस कॉमन आ रहा है, नीचे वाले में भी कोस कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से लिखेंगे कोस ऊपर वाले में से कॉमन आ गया कोस ए, तो ये बन गया एक बटा साइन ए माइनस में एक अपॉन में, नीचे वाले में कोस ए फिर कॉमन आ गया, ये बन गया एक बटा साइन ए प्लस में एक, कॉस से कॉस कट गया, एक बटा साइन बराबर क्या होगा एक बटा साइन कोसैक होता है ना, कोसैक ए माइनस में वन, नीचे वाला एक बटा साइन ये होगा कोसैक ए प्लस में वन, और ये किसके बराबर आ गया आरएचएस के बराबर आ गया, एलएचएस लेके चले थे आरएचएस आ गया, यानी हैंस प्रूफ है एचपी। छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा ही क्वेश्चन है, इज दैट क्लियर, समझ में आया सभी के। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, बढ़िया एग्जाम्पल है नेक्स्ट आने वाला 15 नंबर एग्जाम्पल, ऐसा ही एक मिलता जुलता क्वेश्चंस भी है आपके, तो बीच में लाइनिंग करके कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 15, इसमें दिया गया है आपको कि साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा प्लस में एक अपॉन में यह है साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा माइनस में एक बराबर एक बटा क्या आएगा सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। एल एच एस और आर एच एस को बराबर करना है, जबकि इसने ऊपर एक सर्वसमिका का यूज करते हुए बोला गया है, यानी दूसरी सर्वसमिका सेक स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस में
टेन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। सेक और टेन कब बन सकता है, जब देखो एक क्वेश्चन किया था उसमें हमने साइन का डिवाइड किया था, यहाँ पे अपन क्या करेंगे कोस का डिवाइड करेंगे, तो एक बटा कोस इज इक्वल टू अपन जानते हैं सेक होता है, तो यहाँ पे सेक बनेगा, कोस में कोस का भाग देंगे तो कट जाएगा एक आएगा, साइन बटा कोस इज इक्वल टू टेन बन जाएगा। तो यहाँ से सेक और टेन में ये क्वेश्चन बनेगा, दोनों ही साइड को हमें हल करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन किया था डिटो कॉपी है, उसमें साइन का भाग लगाया था, यहाँ पे क्या करेंगे कोस का ही भाग लगाएंगे। तो देखिएगा एलएचएस साइड लेके चलते हैं, एलएचएस साइड साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा प्लस में एक अपॉन में, ये है साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा माइनस में एक, यहां अंश व हर में कॉस थीटा का भाग देने पर, यहां अंश व हर में कॉस थीटा का भाग देने पे क्या बनेगा देख लो, प्रत्येक में देना भाग, तो ये लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस में कॉस थीटा बटे कॉस थीटा प्लस में एक बटा कॉस थीटा डिवाइड बाय, ये बनेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस में एक बटा कॉस थीटा, अंश व हर में क्या कर दिया कोस थीटा का भाग लगा दिया, साइन बटे कोस क्या बन गया, साइन बटे कोस टेन होता है, टेन थीटा माइनस में कोस बटा कोस एक प्लस में एक बटा कोस क्या होता है सेक थीटा होता है, अपॉन में साइन बटा कोस टेन होता है, टेन थीटा प्लस में कोस बटा कोस एक आ गया माइनस में एक बटा कोस सेक थीटा होता है। अब नीचे वाले के साथ में कुछ भी चेंज नहीं करना, लेकिन ऊपर वाले के साथ में कुछ गड़बड़ करेंगे, इसको लिख लें पहले ऊपर वाले को, टेन थीटा प्लस में सेक थीटा एक साथ में लिखें, तो ये आएगा टेन थीटा प्लस में सेक थीटा और माइनस में क्या है एक है, और नीचे वाला है टेन थीटा प्लस में एक माइनस में सेक थीटा माइनस का एक। दूसरी आइडेंटिटी मैंने आपको लिखवाई थी, क्या लिखवाया था चलो देख लो, मैंने लिखवाया था देखो इसमें यूज जो करना है आइडेंटिटी यही यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जो मैंने लिखवाया है। अब देखो इसमें क्या दिया गया, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं या इसको थोड़ा सा चेंज करके ये भी बना सकते हैं। इसने देखो इसके अकॉर्डिंग मैं बनाऊँ तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ये हमने जो दूसरी आइडेंटिटी है उसमें दूसरी लाइन लिखी थी शायद, अगर एक के बराबर बनाना चाहें तो इस टेन को इस साइड में ले आते हैं, या ये क्या बनेगा देखो यहां से बन जाएगा sec स्क्वेयर थीटा माइनस में tan स्क्वेयर थीटा, ये इस साइड में tan आ जाए बराबर से दूसरी साइड आ जाए इज इक्वल टू वन बनेगा, या तो ये यूज कर लें या ये यूज कर लें, एक के बराबर एक है एक के बराबर अपन ये लिख सकते हैं, तो लिख दीजिएगा क्या बनेगा ऊपर वाले एक की जगह, यानी जो मैं ब्रैकेट में लिख दूं चलो इसको, इस ब्रैकेट एक की जगह अपन ये मान रख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, तो ये बनेगा आपके पास में tan थीटा प्लस में sec थीटा ब्रैकेट में माइनस में, और देखो ये है sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, नीचे क्या है tan थीटा प्लस में एक माइनस में sec थीटा, तो देखो tan थीटा sec थीटा एक बार प्लस में एक बार माइनस में, कहाँ पे लिखा था चलो वो पिछले वाले स्लाइड में था, sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं, तो यहां से tan थीटा प्लस में sec थीटा माइनस में बड़ा ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा एक बार sec थीटा प्लस में tan थीटा प्लस में और एक बार रहेगा माइनस में sec थीटा माइनस में
टेन थीटा, अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में आएगा टेन थीटा प्लस में एक माइनस में सेक थीटा। अब देखो इस बड़े ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा और यहाँ पे है टेन थीटा प्लस में सेक थीटा, दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन को बाहर निकाल लेते हैं, फिर जो बचेगा उसको लिख देते हैं, वो नीचे वाले नंबर से कैंसिल भी हो जाएगा। तो आपने सेक थीटा प्लस में टेन थीटा दोनों में कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक बचेगा, एक माइनस में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा कॉमन आ गया, माइनस का सेक बनेगा और अंदर माइनस का टेन है तो बाहर माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा, तो ये बनेगा सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, जो नीचे नंबर है वो लिख देते हैं। ये क्या देख लो, वन माइनस में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, ऊपर है उसके अकॉर्डिंग ही लिखा है, देखो एक माइनस में सेक थीटा आगे पीछे लिख दिया, टेन थीटा प्लस का टेन थीटा है, माइनस का सेक थीटा, प्लस का एक है, प्लस का एक है, माइनस का सेक थीटा, प्लस का टेन थीटा है, ये इससे कट जाएगा, रिजल्ट कितना आएगा, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, इक्वेशन नंबर एक। अब देखिएगा यहां से एलएचएस में क्या था, एलएचएस में तो आरएचएस में क्या था, एक बटा सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा है, ठीक है, और हमें लेके ये आना है, तो चलो इसको भी हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, अब आरएचएस साइड लेके चलते हैं, इक्वल नहीं आया तो एक बटा सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, एलएचएस साइड का परिमेयकरण कर देते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिएगा परिमेयकरण करेंगे तो सेम वैल्यू से निशान चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां से करेंगे सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, प्लस का है तो यहां पे माइनस है तो प्लस का कर दिया, और सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, एक बार माइनस में एक बार प्लस में क्या बनेगा देख लो, सेक स्क्वेयर थीटा प्लस में टेन स्क्वेयर थीटा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में सेक स्क्वेयर थीटा माइनस में बनेगा क्या, हाँ माइनस में बनेगा, सेक स्क्वेयर थीटा माइनस में टेन स्क्वेयर थीटा, और ऊपर क्या बनेगा सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। अब देखिएगा यहां से हमने एक आइडेंटिटी यूज की थी, सेक स्क्वेयर थीटा माइनस में टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन, सेक स्क्वेयर थीटा माइनस में टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है, तो यहां पे वन रख देंगे नीचे वाले नंबर की जगह, तो ये बनेगा सेक थीटा प्लस में टेन थीटा डिवाइड बाई एक, तो ये बन गया सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। लिखेंगे समीकरण एक व दो से क्या बनेगा, एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस, यही हमें प्रूव करना था, देख लो सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, एलएचएस साइड हल्की ये आ गया, आरएचएस साइड हल्की ये आ गया। अब बताओ इसमें कोई कन्फ्यूज है क्या, किताब में थोड़ा सा अलग तरीके से दे रखा होगा, तो मैंने जो क्वेश्चन करवाया था उसके अकॉर्डिंग ही करना है, उसमें आपने साइन का भाग दिया था, यहाँ पे आप कोस का भाग लगाएंगे और ये आइडेंटिटी आपको यूज करनी है, वहाँ पे आपने तीसरी आइडेंटिटी यूज की थी। तो इस प्रकार से ये हमारे टोटल्स आठवीं चैप्टर के एग्जाम्पल कम्प्लीट हो जाते हैं, बढ़िया एग्जाम्पल था, तो इसका आप 14 नंबर और 15 नंबर का एक साथ में स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब बताइएगा क्लास कैसी लगी, कमेंट करके सभी बताएंगे, अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर सभी करेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगी बेल आइकन को दबा लेना ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सकें। चलिएगा नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर रखेंगे, 9 नंबर चैप्टर रखेंगे, इसके बाद में अपन 10 की तरफ बढ़ेंगे और 11 नंबर ऑलरेडी अपन ने कर लिया है, फिर 12 नंबर 13 नंबर इस प्रकार से हमारे चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएंगे और इसके बाद में आपकी टेस्ट सीरीज MCQs वाली आएगी, लाइव क्लासें रखेंगे, वो कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको कोई डाउट हो तो वो आप हैंड टू हैंड हमसे पूछ सकें और आपके डाउट भी क्लियर हो सके। चलेगा स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ, जय हिंद जय भारत।